हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द क्या था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। डॉक्टर स्ट्रेंज हाँ भाई, तो जा रहे हैं सिटी सेंटर पीवीआर। 11:50 का शो है, 11:31 एपी हो गया। कुछ खाया हुआ नहीं है, नाश्ता कुछ नहीं किया, खाली एक सुट्टा नहीं, कोई सुट्टा नहीं है। ए, सुट्टा का बात कर रहा है, क्या यूट्यूब पे अपलोड करिए, बलाल में मत बोलो। क्या कैसे कैसे लोग है, गाड़ी लेता है पार्क करना नहीं आता है कि नहीं। आई विश कि हमें बस मिल जाए या फिर मैजिक कुछ भी मिल जाए फटाफट, इधर टाइम नहीं है शो शुरू होने के लिए। इतना कम टाइम में इतना पसीना पसीना हो गया। तो वी आर इन बस स्टैंड, ये पैसे एक छोटी नाला, बस का तो आता पता है नहीं फिलहाल। तो फाइनली हम लोग सिटी सेंटर के बाहर पहुंच गए, मूवी स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 5 सेकंड बचा होगा। कितना बजे टाइम होने वाला है? 11:44। हम लोग अभी सिटी सेंटर के अंदर है, पानी बोलो के साथ। काशी अगर कुछ अच्छा होता है, ठंडा नहीं था गर्म था चलेगा। बस हमें ऊपर पहुंचना है फटाफट, मूवी स्टार्ट होने में और 5 मिनट भी नहीं बचा है, 4 मिनट बचा है शायद। लिफ्ट खराब है, नीचे मारा ऊपर जा रहा है, ऊपर मारे नीचे मार के देखो क्या इसे जाए। हम लोग लिफ्ट के अंदर ही घूम रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पता ही नहीं चल रहा है क्या अजीब लिफ्ट है, क्या मन क्या होता है। तो हम उसका मूवी ना, वी आर इन टाइम मूवी होने वाला है ना, सैम रेमी का मूवी है, मस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है हम लोग को। मूवी देखने हैं हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज, यहाँ पे अवतार का ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ देखे कैसा लगा? चल लेकिन बीच में गांड वगैरह, हाँ चुटिया चुटिया बना दिया ना बीच में, वही तो चला। कितना कितना चुटिया सिनेमा हॉल वाला लोग है, चला आधा में वो एकदम बैकआउट कर दिया क्या, बैकग्राउंड चल रहा है, आवाज चल रहा है। और मूवी देख के अभी हम लोग क्या, अभी हम लोग मूवी देख के आए हैं, क्या बढ़िया क्या बढ़िया फिल्म। लेकिन बीच में 3-2 सीन चुटिया पर कर दिया रहा, बीच बीच में काट दिया, कट कर दिया, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, दिमाग खराब होने को बहुत गाली दिया उसको, बहुत गाली दिया, मतलब प्रोजेक्टर में जाके मुंह देने के, हाँक देने के लिए 3D हो गई, 3D आ गई, अभी हम लोग तो 2D हो जाता है ना, अभी हम लोग 3D हो जाएगा। कुछ जाके खाने का फिलहाल यहाँ पे सिटी सेंटर घूम लेता है हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा और भूख लगेगा तो और जाके खाएगा। और प्लान ये है, और प्लान ये है कि रूम में जाके ये सब कुछ स्पॉइलर देगा फोन करके, पर चिंता मतलब आप लोगों को नहीं दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाएगा, बस स्पॉइलर देगा जिसको देना देगा, लेकिन जो जो देखने के लिए है सबको स्पॉइलर देगा। अभी हम लोग निकल के आए KFC में खाने के लिए, बहुत टैक्स लिया, बहुत टैक्स, आठ गाना टैक्स। हम ब्लॉग बना रहे, खा रहे, मैं खा ले तो फटाफट। खाना हो गया, अब क्या करना है, भागना है। चलो चैटिंग करेगा ना, करके भागने जाएगा क्या, चल। अरे एक बात तो बताना भूल गया कि इस मूवी के अंदर दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो उठ के मत जाना, दो टू है। और कसम से मूवी था डॉक्टर स्ट्रेंज का, पर लाइमलाइट में आ गया ये वांडा के ऊपर से, मतलब आँख हट ही नहीं रहा था। और सैम रेमी ने मतलब इतना हॉरर, वो हॉरर लगा है, मतलब हॉरर एलिमेंट डाला है उसमें, एक दो बार तो मैं डर गया था। मतलब वो क्या वाला सीन में आया था ना, फटाक से घुस के लास्ट में, बताना मत, स्पॉइलर मत देना। क्या स्पॉइलर, अब इतना स्पॉइलर दे दिया उसका, मतलब एक्चुअली मतलब मेरा मुंह से आ चीख निकल गया था फटाक से, डर लग गया था कि कहाँ से आगे कर, कैसे करते हैं। कसम से मस्त मूवी है, देखो खुल जाए, गर्मी। तो अभी हम लोग मूवी देख के आ गए रूम पे, और हमारा अभी प्लान है, मतलब मेरा और पूर्वजीत का, कि मतलब उसके दोस्तों को फ़ोन करके स्पॉयलर्स देंगे, वो भी फेक, मतलब कोई भी असली स्पॉइलर नहीं देगा, फेक स्पॉइलर देंगे हम लोग। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सीमा सामान उगोली जे
আছে কে লে তো বলে টিকেট কইছিল ইয়া খুব হ্যাঁ বিলি আছে কো কত ছাবিগে কত ছাবিগে আমার গলা গান হ গল জান সিনেমা সাউতে তিনটা সিন গলা কাটি কাটি দিয়া মানে কি হল তো সাই থাকো তো অকল গুটে স্ক্রিন কোন ব্ল্যাক হয়ে যায় আর অকল অডিও তো শুনি পাবে এই পিবিয়া ডক্টর স্ট্রেঞ্জ হ্যালো কর আছো রুম কিটে যাবি তো কি সিনেমা চালি নাই হয় নেকি চাবি আকৌ দেই কেলা আইৰণ মেন ওলাই গেলা লাষ্টত ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ ভাৰ্চেছ ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ ওলাই গেলা চাবি All my friends are toxic, all ambition is so rude. Sunna, Iron Man nikalta hai, haan? Wouldn't always negative, I mean new friends, but... So finally, spoiler prank ho gaya hai, do teen doston ke saath. Ho gaya, maza aa gaya, koi bhi sach nahi tha isme, sirf prank tha. Aur fake ho gaya. To is vlog ko yeh pe khatam karte hai. Kal mere liye bahut special day hai, ki first time kisi celebrity se main milne wala ho. Live, wo bhi face to face. और तुम्हारे भाई को मतलब क्वेश्चन पूछने का मौका भी मिल रहा है उनसे तो बहुत मज़ा आने वाला है कल का भी ब्लॉग बनेगा तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट इस चैनल को तब तक के लिए टाटा बाय बाय